भोपाल की पुरानी जेल में मतगणना का काम किया जाएगा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। पुलिस और प्रशासन ने मतगणना स्थल पुरानी जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुराने जेल में होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस के आला अधिकारियों ने पुरानी जेल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और अंदर बाहर तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है और प्रत्याशी के प्रतिनिधि के भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बैठक की व्यवस्था की है। तीन लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। स्ट्रॉन्ग रूम का जो इनर गार्डन है उसमें जो CAPF है उसमें उनकी एक एक सेक्शन एक बार में रहती है राउंड द क्लॉक। और इसके साथ ही मिडिल लेयर में SAF जो है स्पेशल आर्म को उसके जवान रहते हैं। उसमें एक कंपनी कमांडर जो उसके प्रभारी हैं, बाकी एक समय में प्लाटून कमांडर अपने जवानों के साथ रहते हैं। और इसके साथ ही जो बाहरी व्यवस्था है उसमें जो अजिला पुलिस बल है उसके अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। फिर राउंड द क्लॉक गजेटेड ऑफिसर एक DSP रैंक के अधिकारी रहते हैं। तो तीन तीन शिफ्ट में यहाँ पे आउटर व्यवस्था के इंचार्ज रहते हैं, साथ ही ओवरऑल व्यवस्था के भी इंचार्ज रहते हैं। और जितने भी यहाँ पे गस्टर ऑफिसर हैं या जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं समय समय पे आके इसकी सुरक्षा व्यवस्था को चेक करते हैं। साथ ही इसमें जो कैमरे लगाए हुए हैं उनके द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था पे मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से की जा रही है और इसमें पहली बार ये प्रयोग भी किया गया है। जो पहले बाहर स्क्रीन लगती थी वो बिल्कुल जो डबल लॉक लगाया गया स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर उसके बाहर ही इनको प्रत्याशियों को बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे वो 24 घंटे उस पर नजर रखते हैं। लाइट थोड़ी बहुत देर के लिए जाती है लेकिन वो ताले तो लगे हुए उन्हीं के सामने लगे हुए हैं, दोनों ताले डबल लॉक, और जिसमें प्रत्याशियों को भी साइन है उसमें कलेक्टर साहब को भी साइन है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।